35 सालों से बंद भिवंडी का जुलूस ईद मिलादुन नबी कैसे शुरू हुआ? नूर है जमाना, सुबह शबे विनादत पर। नूर है जमाना, सुबह शबे विनादत पर। दान उठाए किसका, परदान उठाए किसका, सुबह शबे विनादत। साल 1970, भिवंडी शहर को किसी की नजर लगी और बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। भिवंडी में फसाद के बाद तमाम मजाहिब के जुलूस पर पाबंदी लगा दी गई। भिवंडी में हुए इस फसाद के बाद ये जुलूस तकरीबन 35 सालों तक बंद रहा। 35 सालों तक लगातार मेहनत करने के बाद वो वक्त आया जब भिवंडी शहर ने जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आँखों से देखा। आखिर ये जुलूस को शुरू करने में कितनी जद्दोजहद की गई, जुलूस बंद होने से लेकर शुरू होने तक क्या क्या मेहनतें की गई, आइए देखते हैं आज इस मुख्तसर सी वीडियो में। साल 1970 में होने वाले फसादात के बाद भिवंडी का जुलूस कई सालों तक बंद रहा। जुलूस ईद मिलादुन नबी को दोबारा शुरू करने के लिए जुलूस ईद मिलादुन नबी ट्रस्ट के सदर जनाब शकील रजा साहब ने 1970 से पहले जो जुलूस निकाले जाते थे उनकी कमेटी के अफराद से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई बात न बन सकी। इसके बाद आपने अपने रुफका की मीटिंग ली और ये तय किया कि हमें मेहनत करनी है ताकि किसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए निकाला जाने वाला जुलूस दोबारा शुरू किया जा सके। और यही वो वक्त था जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दोबारा से कोशिशें शुरू की गई। साल 1998 में पुलिस कमिश्नर सीपी और डीसीपी के साथ मीटिंग हुई, इसके बाद भी जुलूस की परमिशन नहीं मिल सकी। साल 1999 में भी रजा एकेडमी भिवंडी ने आइंदा साल फिर कोशिश जारी रखी। साल 2000 का वक्त गुजरा, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 और इसी तरह कई साल गुजरते रहे, लेकिन जुलूस की परमिशन नहीं मिल सकी। इसके बाद साल 2006 का वक्त आया जब वजीर आला और नायब वजीर आला महाराष्ट्र को जुलूस के मुतालिक अर्जी दी गई। होम सेक्रेटरी और थाना पुलिस सीपी को भी अर्जी दी गई। इसके बाद रोजनामा अखबार उर्दू टाइम्स में रजा एकेडमी भिवंडी के जरिए एक आर्टिकल शाये किया गया और इसके फौरन बाद ही मंत्रालय में वजीर दाखिला आर पाटिल से मीटिंग की गई। और यही वो वक्त था जब वजीर दाखिला आर पाटिल साहब ने रजा एकेडमी की अर्जी जो मोहम्मद शकील रजा के नाम से थी उसे मंजूर किया। इसके बाद 10 मार्च 2006 पुलिस कमिश्नर सीपी थाने में मीटिंग हुई। सीपी ऑफिस से लेटर आया, वहाँ मीटिंग हुई और जुलूस का रास्ता और दीगर जरूरी बातों पर गुफ्तगु हुई। भिवंडी डीसीपी साहब ने रात में तकरीबन 10 बजे जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परमिशन शकील रजा के नाम से दिया और नहायत ही शानदार और पुरअमन तरीके से जुलूस निकाला गया। जैसे ही ये खबर शहर भिवंडी में आम हुई के आका का जुलूस दोबारा से निकलने वाला है, पूरे शहर में एक ईद का समा हो गया। हर कोई खुशी मना रहा था, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे और इसी दिन रात 10 बजे भिवंडी के डीसीपी के जरिए जुलूस की परमिशन दी गई। और यही वो वक्त था जब भिवंडी के कोटर गेट के इलाके से कई साल से बंद जुलूस ईद मिलादुन नबी दोबारा से निकाला गया। जुलूस का मंजर देख कर लग रहा था कि कई महीनों से इसकी तैयारियां जारी हो। अवाम का बेपना हुजूम इंतहाई जोश खरोश के साथ नारे तकबीर और रिसालत की सदाएं बुलंद करता हुआ जुलूस में शामिल हुआ। और यह भिवंडी का एक ऐसा रूह परवर मंजर था जो 30 सालों के बाद लोगों ने देखा, एक ऐसा मंजर जो 3 दहाइयों के बाद शहर भिवंडी ने देखा था। इसी तरह 35 सालों से बंद ये जुलूस भिवंडी रजा एकेडमी के सदर जनाब शकील रजा साहब की 10 साल मुसलसल मेहनतों का नतीजा है। और आज 19 सालों से ये जुलूस बड़ी ही शान और शौकत से ये जुलूस कोटर गेट से होता हुआ चांद तारा मस्जिद को पार करते हुए निजामपुरे से वंजारपट्टी नाका और वहां से गुजरता हुआ मामू भांजा के वसी व अरीज मैदान पर खत्म होता है, जहां पर कायदे जुलूस की रिक्कत आमेज दुआ होती है। इस दुआ में लाखों अफराद का मजमा शामिल होता है। हर साल जुलूस इंतहाई शानदार तरीके से और तमाम खुराफात से पाक शरई तौर पर नमाज की पाबंदी के साथ निकाला जाता है। किसी तरह की खुराफात, ढोल बाजे, पटाखे और गैर शरी हरकत इस जुलूस में नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी ये जुलूस अपनी इसी शानो शौकत के साथ निकाला जाएगा। शहर भिवंडी की आवाम से हम गुजारिश करते हैं कि आप इस जुलूस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हम दुआ करते हैं कि जुलूस में जो लोग हिस्सा लेते हैं
और ताउन करते हैं। रब ताला सबको जजाए खैर अता फरमाए। आमीन बिजाही सैयद अल मुरसलीन।